अभी जो भैया मान रहा है आपको जो सीट निर्धारित किया गया है कल के लिए, कल जो भजन कार्यक्रम होगा आप ध्यान से सुनिए। आचार्य जी अभी कोई ढैक्सर मत दीजिए, अभी जो कहते हैं सुनिए। अभी जितने भैया मान को जो सीट अलॉट किया गया है, जैसे चक्रजोग का है, कलजोग का है, शुद्ध नमस्कार है, लेजियम है, और जो गण के भैया मान है जो प्रसंस्करण करेंगे सभी का सीट निर्धारित है। कल अभी सीट पर आप बैठे हुए हैं और जो कल का कार्यक्रम जो शुरुआत से होगा उसका अभी से शुरुआत अभी हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो आप सभी सावधान रहिए कि क्या आदेश मिल रहा है, हमको क्या करना है। अभी मुख्य अतिथि महोदय कैसे मंच पर आएंगे, भारत माता का पूजन होगा और उसके बाद झंडोत्तोलन होगा, और झंडोत्तोलन होते ही यहाँ से स्वर मिलेगा, राष्ट्रगान का स्वर मिलेगा। तो उस समय हम लोग सब खड़े रहेंगे, आपको बताया जाएगा, और सब सावधान मतलब संख्या की स्थिति में आप राष्ट्रगान करेंगे। उसके बाद भारत माता की जय होगा, उसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का कैसे मुख्य अतिथि आएंगे अभी उसका रिहर्सल हो रहा है, आप बिल्कुल सावधान रहिए। आचार्य जी जिस दम के पास है, जो योग में है, चक्रयोग में है, सब अलग रहिए और जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे। अभी सबों के लिए आदेश है उठिष्ठा, सबों के लिए आदेश है आप सब दृष्टि का उठिष्ठा हो जाइए। अब आपके मुख्य अतिथि का आने का समय हो गया है, मुख्य अतिथि आ चुके हैं, उनके साथ सेनापति साथ में चल रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय सेनापति के साथ मंच की ओर आ रहे हैं। हम सब सामने देखें, अभी पहले भारत माता का पूजन होगा और भारत माता पूजन के बाद झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। जैसे ही झंडोत्तोलन होगा और राष्ट्रगान प्रारंभ हो जाएगा। अभी मुख्य अतिथि आ रहे हैं, पाठक जी उनका अगुवाई कर रहे हैं और भारत तक बता रहे हैं। अभी भारत माता का पूजन होगा, अभी मंच के नीचे की ओर भारत माता की प्रतिमा लगी हुई है, अभी उसी ओर अतिथि पधार रहे हैं। वहां भारत माता का पूजन का कार्यक्रम होगा। भारत माता का पूजन सामने वहां पर मूर्ति लगी हुई है, भारत माता का पूजन हो चुका है। अब मुख्य अतिथि से आग्रह है, अब मुख्य अतिथि से आग्रह है कि झंडोत्तोलन का काम अभी संपन्न करेंगे।